प्रथम स्कंद में प्रश्न उठाया गया था कि मैत्रेय और विदुर का संवाद हम तुम्हें सुनाएंगे। राम राजा परीक्षित को अवसर मिला पूछने का कि कुत्र छत्र भगवता मैत्रेणी यास संगमः। क्योंकि भागवत जी की शैली है कि प्रश्न बहुत पहले हो जाता है, जब राजा जी को अवसर मिलता है तो फिर उसी बात को पूछते हैं। विदुर और मैत्रेय का संगम कैसे हुआ? जब दो संत मिलते हैं तो जगत का कल्याण होता है, अब दो असंत मिलते हैं तो जगत का विनाश होता है। चार दुष्ट थे, चारों मित्रता करके चले, बोले कुछ काम धंधा करना चाहिए, तो चारों ने निश्चय किया कि हम लोग खेती करें। काहे की खेती करेंगे? कहा गन्ने की खेती करेंगे। एक ने कहा हम बीज लाएंगे, एक ने कहा हम बो देंगे, एक ने कहा कि हम निराई करेंगे, चौथे ने कहा हम जल देंगे। फसल तैयार हो गई, चारों ने कहा गन्ने जब तैयार हो जाएंगे तो गांव वाले तोड़ करके खा जाएंगे। तो गांव वाले खा जाएंगे, अच्छा गांव में आग लगा दो। जब गांव में आग लगा दी तो सब भागे बेचारे हाय हाय करके, गन्ना खाओगे? और गन्ना खाएंगे, गन्ना खाएंगे। लो न गन्ने का खेत है, न गन्ना बोया गया है, न गन्ना उगा है, लेकिन गन्ना खाने के अपराध में गांव में आग लगा दी गई। चार जब दुष्ट एकत्रित होते हैं तो जगत का मंगल अवश्य होता है, और दो संत मिल जाएंगे तो जगत का मंगल हो ही जाएगा। इसलिए कृपा करके बताओ कि विदुर और मैत्रेय का संगम कैसे हुआ। तो सुखदेव भगवान की भी इच्छा रहती है कि हम भगवान की करुणा की कुछ कथाएं सुनावे, तो सीधे कह देते गंगा के किनारे हुआ, लेकिन ये न कह करके बहुत शुरू से उन्होंने प्रारंभ किया। यदा तु राजा स्वसुतान साधु कृष्णन धर्मेर विनष्ट दृष्टि। हे राजन, जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने मूर्ख पुत्रों को अधर्म से पालन करने लगा तो न मारया मास नृपस्मृताया स्वाश्रीर हरंत्या कुच कुमकुमान। जब राजसभा में द्रौपदी को खींच करके लाया गया, आंसुओं से उनके वक्षस्थल का चंदन धुल रहा था, उस समय उस राजा ने उन दुष्ट पुत्रों को नहीं रोका, नृपस्मृताया अपनी वधू के उस अपमान को उन्होंने नहीं रोका, स्वाश्रीर अपने आंसुओं से हरंत्या कुच कुमकुमान। इतना ही नहीं किया धृतराष्ट्र ने, द्यूते स्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य बनागतस्य। अधर्म पूर्वक जुए में साधु युधिष्ठिर को जीत लिया गया, वो वन को चले गए। 13 वर्ष बाद जब लौट के आए तो नया चको दास समय न दायम नमो नानो यद्यपि तो युधिष्ठिर का नाम था अजात शत्रु, लेकिन धृतराष्ट्र उनके प्रति भी वैर भाव रखते थे। तो तमो दुषाणः कालुष्य था उनके मन में, इसलिए सर्प के अनुसार समयेन माने सर्प के अनुसार उन्होंने उनका हिस्सा राज्य का नहीं लौटाया।
जब पार्थ के द्वारा प्रेषित किए गए भगवान श्री कृष्ण पांच गांव का प्रस्ताव लेकर के आए, तब भी उन दुष्टों ने भगवान को बांधने का प्रयत्न किया। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, राजा धृतराष्ट्र बड़े भयभीत हो गए। तब विदुर जी को उन्होंने एकांत में बुलाकर पूछा, हमें क्या करना चाहिए? तो राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न करने पर विदुर जी ने कह दिया कि जिसको तुम अपना पुत्र मानते हो, ये पुत्र नहीं है। पुष्णाश्च धर्मेण यमपत्य मत्या, तुम अपत्य मानते हो लेकिन तुम्हारा पुत्र है नहीं। ले है क्या? ये तुम्हारा पाप है। जब पुत्र कुमारगी हो जाए तो पिता समझ ले कि हमारा दुष्कर्म ही पुत्र के रूप में अवतरित हो गया है। इसलिए अगर कुल की कुशलता चाहते हो तो इस अमंगलमय पुत्र का त्याग कर दो। त्यजासु अशैवम कुल कौशलाय, कुल की कुशलता के लिए इस अमंगलमय पुत्र का त्याग करो। अब इतनी खरी बात तो कोई संत ही कह सकता है। ज्यादातर लोग स्वामी की प्रसन्नता के लिए वही बात कहते हैं जो उसको सुनने में प्रिय लगे, जो उसके हित की हो वो कोई कोई नहीं कहता। यही तो बात है। माल्यवान नाम का मंत्री रावण को समझाते हुए कहता है कि प्रिय बानी जे सुनहि जे कहनी, ऐसे नर निकाय जग अहनी। प्रिय बानी बोलने वाले और प्रिय बानी सुनने वाले को झुंड के झुंड मिल जाएंगे, लेकिन वचन परम हित सुनत कठोरे। वचन परम हित सुनत कठोरे, वचन तो हितकारी हो लेकिन सुनने में कड़वे लगते हो। वचन परम हित सुनत कठोर, वचन परम हित सुनत कठोर। कहानी जे सुनहि जे नर प्रभु थोरे, कहानी जे सुनहि जे नर प्रभु थोरे, कहानी जे सुनहि जे नर प्रभु थोरे। परम हित सुनत कठोरे, वचन परम हित सुनत कठोरे। वचन परम हित बड़े कल्याणकारी हो लेकिन सुनने में कड़वे लगते हो। ऐसे वचनों को कहने वाले भी थोड़े हैं और सुनने वाले भी थोड़े हैं। जो खरी खरी सुनाएगा कटुवाणी बोलेगा, कहेंगे इसको हटाओ, ये बहुत हमारे दोस्त ही देखता रहता ना उसको, यहाँ से ठीक नहीं है आदमी। विदुर जी महाराज दुर्योधन के मुख पर कह रहे हैं इस अमंगल में पुत्र का त्याग करो। संत के अतिरिक्त कितना हितैषी और कटु वचन कौन कह सकता है? दुर्योधन ने पिताजी के सामने अपमान किया विदुर का, जिनका आदर भी सतीदामा करते हैं, जिनको आदर पूर्वक श्री कृष्ण हृदय से लगाते हैं, जिनका आदर द्रोण कृप करते हैं, युधिष्ठिर जिनके चरणों पर पैर सिर रखते हैं, ऐसे विदुर जी धर्मात्मा और महात्मा को दुर्योधन ने दासी पुत्र कहकर के संबोधन किया। कये न मत्रोपजुहावतिम हम दास्यासुतम यद् बलि नैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्यास्ते निर्वाच्यतः मातु पुरातनः। इस दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? अरे राम, ये भी नहीं कहा कि चाचा को किसने बुलाया, मंत्री को किसने बुलाया। कये न मत्रोपजुहाव, इसको किसने बुलाया? दास्याः सुतम, ये तो दासी का पुत्र है। खाता मेरे टुकड़े है,
ब्रह्मली नहीं, वो पुष्टा मोटा हो गया है और हमसे ही विरोध करता है, निकाल दो इसको नगर के बाहर। तो पुराने जमाने में राजाओं के कुछ चिन्ह होते थे, आज भी होते हैं। दरोगा जी के पास दो तारे होते हैं, बड़े इंस्पेक्टर के पास तीन तारे होते हैं, किसी पे अशोक चिन्ह होता है, किसी पे कैंची होती है। पुराने जमाने में मंत्रियों के पास राजा के द्वारा दिया गया धनुष होता था, कि राज चिन्ह था, जिसके पास वो धनुष होगा वो राजपुरुष माना जाएगा। बिंदु जी ने कहा, क्यों हमको निकालोगे, हम खुद ही निकल जाएंगे। तो स्वयं धनुर द्वारि निधाय माया देखो या दुर्मान या। कितने मान के योग्य थे, लेकिन फिर भी धनुष को दरवाजे पर रखकर और वहां से चले गए। तो कहां जाए, तो संत जब जाएगो तो तीर्थ ही को जाएगा, तीर्थ की ओर गए। माया हरिद्वार का एक नाम है मायापुरी, अपने यहां सात पुरियां हैं जिनको लोग मोक्षदा नगरी कहते हैं। उनमें रहने से, जन्म लेने से, यज्ञोपवीत होने से, मुक्त होने से, अंत्येष्टि होने से अवश्य मुक्ति मिलती है, ऐसा हमारे शास्त्रों का पूर्ण विश्वास है। वो सात नगरी कौन कौन है, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका। साढ़े तीन दिन है दोनों लोगों की, साढ़े तीन शिव की, साढ़े तीन नारायण की। काशी, उज्जैन और हरिद्वार ये शिव जी के हैं, मथुरा, अयोध्या और द्वारका ये विष्णु जी के हैं, और कांची के दो हिस्से हैं, विष्णु कांची और शिव कांची। साढ़े तीन तीन नगरियों के दोनों स्वामी हैं। मायापुरी को चले गए कौन, विदुर जी, लेकिन मन नहीं लगा। यही तो बात है, झटके से घर छोड़ने से वैराग्य नहीं होता राधे राधे, इसे धीरे धीरे घर छोड़ना चाहिए। पहले लड़ाई हो जाए तो पुत्र से बोलना कम करे, फिर पत्नी से बोलना कम करे, फिर रोटी खाना कम करे, फिर ओढ़ना कम करे, फिर बातचीत कम करे, फिर धीरे से निकले। ये थोड़े ना झटके निकल दे। रसरस सूख सरित सर पानी, सरिताओं का और तालाबों का जल जैसे धीरे धीरे सूखता है, ऐसे ज्ञानी को अपनी ममता का त्याग धीरे धीरे करना चाहिए। तो कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी पांच चीजें धीरे धीरे की जाती है। कितनी चीजें, हाँ, तनई कंठा, तनई पंथा, तनई पर्वत लंघनम, तनईर विद्या, तनईर वित्तम, केते पंच तनई सनई। पांच चीजें धीरे धीरे। पुराने जमाने में माताएं बिछौने बनाया करती थी पुराने कपड़ों के, उसको कंठा कहते थे, कथरी। जो माताएं जल्दी करती थी वो ऊंचे नीचे बिछौने हो जाते थे, जो कोई विश्राम करता था तो वो गलते थे, अच्छे नहीं बनते थे। सनई कंठा, मार्ग पर धीरे धीरे चलो, दस मील चले जाओ, जल्दी जल्दी जाओ, थक जाओ। सनई पर्वत लंघनम, पर्वत पर चढ़ना हो धीरे धीरे चलो, चढ़ जाओगे। विद्या धीरे धीरे लेनी चाहिए और धन धीरे धीरे कमाना चाहिए। जो पांच चीजें धीरे धीरे करते हैं उनको बड़ी सुख देने वाली होती है। तत्काल वैराग्य नहीं हुआ करता, इसलिए विदुर जी का मन हरिद्वार में नहीं लगा। जब नहीं लगा तो लौट आए, लौट करके श्री वृंदावन धाम में आए। और जाएंगे भी कहां, धीरे से बोलो राधे राधे, कहां आगे। और उसी समय उद्धव जी भगवान की पादुकाओं को लेकर के और द्वारका से जा रहे थे बद्रीनाथ। तो दो रास्ते हैं द्वारका से दिल्ली, एक आश्रम एक्सप्रेस जाती है सीधे जयपुर अजमेर होते हुए, और एक जो है चाहो तो अहमदाबाद बड़ौदा होते हुए मथुरा होकर के आ जाओ, देर से बड़ौदा दे रहा है। तो उद्धव जी ने मथुरा वाला रास्ता पकड़ा, जाना तो बद्रीनाथ था उन्हें, अगर मथुरा वाले रास्ते से आए तो उनको वृंदावन का लोभ भी आ गया। और वृंदावन में श्री उद्धव जी का विदुर जी के साथ संगम हो गया। दोनों लिपट करके रोने लगे,
हाल चाल पूछने लगे। तब उद्धव जी ने यदुकुल के नाश का वर्णन सुनाया। वियोग बहुत दुखदाई होता है, बहुत दुखदाई होता है। विदुर जी बहुत फूट फूट करके रोए, यदुवंश का कैसे संहार हुआ। तृतीय स्कंद के द्वितीय अध्याय में विदुर और उद्धव मिले हैं। तृतीय अध्याय में और चतुर्थ अध्याय में यदुवंश के नाश का वर्णन सुनाया है कि कैसे वारुणी मदिरा को पी करके सबके सब प्रभासक क्षेत्र में गए, वहां पर खूब यज्ञ किए, दान किए, बाद में द्यूत क्रीड़ा में लग गए, हार जीत में स्पर्धा बढ़ गई, झगड़ा शुरू हो गया, आपस में लड़ने लगे और सारे के सारे यदुकुल के समस्त योद्धा एक ही स्थान पर कट करके मर गए। पच्चतो पंचावशे था, चार पांच बचे, कोई बचा नहीं। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी आप तो यदुकुल श्रेष्ठ थे, आप कैसे बच गए राजेराज। उद्धव जी ने कहा, मैं भी तो नहीं बचना चाहता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने मुझे आदेश दिया कि यतो मद वयुनम लोके ग्राहयन्निहतु। जब मैं चला जाऊंगा तो हमारे वियोग में लोग बहुत पीड़ित होंगे। इसे हे उद्धव जी, तुम आचार्य हो, विवेक की और ज्ञान की बातें करके लोगों को ढांढस बंधाना, उसके बाद तुम आना। तो मुझे भगवान ढांढस बंधाने के लिए इस संसार में छोड़ गए। तो आप जा कहां रहे हो, हम तो बद्रीनाथ जा रहे हैं, तो हम भी आपके साथ साथ चलेंगे। फिर दोनों संत हरिद्वार तक आए और हरिद्वार में उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, अब तुम मत जाओ हमारे साथ, तुम यहीं रहो। बोले क्यों? बोले इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मैत्रेय महात्मा देंगे, जो यहीं गंगा के किनारे रहते हैं। उद्धव जी प्रणाम करके चले गए। विदुर जी मैत्रेय महात्मा के पास आए, जाकर प्रणाम किया तो जैसे देखा मैत्रेय जी ने विदुर जी को, तो अष्टपाद करने लगे। विदुर ने पूछा, महात्मन क्यों रो रहे हैं? बोले ये आंसू हर्ष के हैं। बोले किस हर्ष के? बोले परधाम गमन करते समय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने मैं गया था, भगवान ने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा था कि विदुर जी को हमारी याद दिलाना। तो अंत समय में उन्होंने आपका स्मरण किया। जैसे ही ये बात कही, विदुर जी तो मूर्छित से हो गए। हाय हमारा सौभाग्य कि अंत समय में परमात्मा प्रयाण करते समय हमारा स्मरण कर गए। भगवान ने मैत्रेय से विदुर का कुशल समाचार पूछा और यह संदेश भी दिया कि उनको हमारा कुशल देना। यह बात भागवत जी में नहीं है, यह बात महाभारत में इसी प्रसंग में है और इसीलिए विदुर जी बड़े ही प्रभावित हुए और मैत्रेय महात्मा के चरणों में गिर करके प्रश्न करने लगे। क्योंकि जिज्ञासा तो संत को मिलकर होती ही है। जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको भी चाहिए कि उच्च कोटि का संत मिले, ज्ञानी मिले, तो अपने मन की जिज्ञासाओं का शमन अवश्य करें। आज ज्यादातर लोग जो प्रश्न भी करते हैं वो दूसरे को अपमानित करने के लिए अथवा उसको जीतने के लिए करते हैं, अपने संदेह को मिटाने के लिए नहीं करते। युग का प्रभाव है, हमें जिज्ञासा हो तो जरूर पूछें, लेकिन हम अगर तर्क करेंगे तो वादे वादे जायते कंठ सोसा, वादे वादे जायते तत्वबोधा। अगर सरलता पूर्वक वाद विवाद करेंगे तत्व का बोध होगा, और अगर दुराग्रह पूर्वक वाद करेंगे तो कंठ सूखने के अलावा और कोई फल मिलने वाला नहीं है। इसे विदुर जी ने जो प्रश्न किया, प्रश्न तो अनेक किए, एक प्रश्न सुन लीजिए। सुखाय कर्माणि करोति लोको,
ये जीव जितने भी कर्म करता है ये सुख के लिए करता है कि दुख के लिए, प्रश्न ये है। हम अगर किसी को कटुवचन भी बोलते हैं तो ये सोच करके बोलते हैं कि हमारे कटुवचन सुनकर किसी थोड़ी तकलीफ हो जाए और हमें थोड़ा सुकून मिल जाए। करोति कर्माणि सुखाय लोको न कई सुखम वान्य दुपारमं वा विन्देत भूय तथैव दुःखम् किमत्र युक्तम भगवान वदेन्ना। गाड़ी खरीदी थी सवारी करने के लिए, फ्रिज खरीदा था आइसक्रीम जमाने के लिए, फ्रिज ने मार दिया करंट और गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। सुख मिला कि दुख, विचार करिए। और एक और बात है कि संसार के कर्मों की महिमा सुन लीजिए कि जिसका पैर मोटरसाइकिल पर चलने से टूट गया हो क्या वो जिंदगी भरे के लिए संकल्प करेगा कि जीवन भर मोटरसाइकिल पर नहीं बैठेंगे कि फिर बैठेगा। हम रोज देखते हैं रेलें टकरा जाती हैं, बसें टकरा जाती हैं, हवाई जहाज गिर जाते हैं, फिर भी हम टिकट खरीदते हैं कि नहीं। बिंदे तभू तथैव दुःखम्, जिससे दुख मिल चुका है हम बार बार उसी में प्रवृत्त भी होते हैं, आज उससे हमको उपराम भी नहीं हुआ। क्योंकि कर्म का एक नियम है, वंस मोर, क्या नियम है? आज तक तो हम तृप्त नहीं हुए, आज हो जाएंगे। आज तक हम तृप्त नहीं हुए, आज हो जाएंगे, लेकिन वह दिन आता नहीं है। भूये बिंदेत भूया तथैव दुःखम्, क्योंकि न तो वहाँ सुख मिलता है, न कहीं सुखम अवाल में दुपारंबा, न तो सुख मिला और न उससे निवृत्ति हुई। तब कितनी गजब की बात है, न तो उस कर्म से सुख मिला और न उस कर्म को छोड़ने की इच्छा हुई। ये मामला क्या है? मत्स्य जी ने कहा, वाह, आपके अलावा और ये प्रश्न कर भी कौन सकता है? आप कोई साधारण थोड़े हैं, आप तो साक्षात धर्मराज के अवतार हैं, मांडव्य महात्मा के साप से आपको शुद्ध योनि मिली है। मांडव्य साप आप भगवान प्रजा संयम नो यम भ्रात क्षेत्र से भुजिष्यायाम जाता सत्यवती सुता। आप सत्यवती नंदन व्यास के अंश से, भाई के क्षेत्र दासी के गर्भ से, मांडव्य महात्मा के साप से उत्पन्न हुए हैं। ये बिदुर जी की उत्पत्ति है। एक महात्मा थे, उनका नाम था मांडव्य, अपनी कुटिया में रहते थे। एक दिन राजाओं के धन को लेकर के चोर भागे, उनके पीछे राजपुरुष लगे थे, तो उस धन को लेकर के वो मांडव्य महात्मा के आश्रम में छिप गए। राजपुरुषों ने उनको माल के सहित पकड़ लिया और चोरों के साथ महात्मा जी भी राधे राधे हो गए, ले जाए गए बाबा जी। अब देश से महात्मा नहीं रहे होंगे, तभी पहचान नहीं पाया। तो जैसे सब चोरों को सूली लगाई गई, सूली एक ऐसा दंड होता था कि कोख में भाला घुसेल दिया जाता था और गले के पास से निकाला जाता था और उस भाले को धरती में गाड़ देते थे, वही पर टंगे टंगे मृत्यु प्राप्त होती थी। इस मृत्यु दंड का नाम था सूली। जब मांडव्य महात्मा को सूली पर चढ़ा दिया गया तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन योग बल से उन्होंने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। बाद में पता लगा, अरे ये तो कोई महात्मा है। राजा ने झटपट सूली से उतरवाया, जब बल्लम खींचने लगे वो मुड़ गया था तो निकला नहीं, तब यहाँ से काट दिया, इधर से काट दिया, इसीलिए उन महात्मा का नाम हो गया अणिमांडव्य, क्योंकि उनके गले में लोहे का वासूल जीवन भर फंसा ही रहा। उसी सूल से पीड़ित होकर के मांडव्य महात्मा धर्मराज के पास गए। उन्होंने कहा, तुमने ये किस कर्म का मुझे दंड दिया, ये बताओ।
धर्मराज ने कहा, जब आप बालक थे तो आपने कीड़े को काटा चुभो दिया था। अब देखिए कर्म की लीला, बालावस्था में एक कीड़े को काटा चुभो दिया है, किसी का दंड मिला है, आप सूली पर चढ़ाए गए। तब मांडव्य महात्मा को क्रोध आ गया, उन्होंने कहा कि तुम इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हो। एक तो मैं बालक था और आज से मैं नियम बना रहा हूं, 14 वर्ष की अवस्था तक जो भी बालक जो भी कर्म करेगा उसके कर्म का अपराध यमराज उसको दंडित नहीं कर पाएगा। मैं बालक था, अनजान था और छोटे से कीट को मैंने काटा चुभोया, तुमने उसका इतना बड़ा मुझे दंड दिया, इसलिए तुम इस आसन से अब उतर जाओ और मृत लोक में जाकर के शूद्र योनि में पैदा हो जाओ। वही धर्मराज अपने अंश से विदुर जी के रूप में प्रकट हुए हैं। आज मैत्रेय महात्मा कहते हैं कि मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः। वही यमराज भुजिष्या कहते हैं दासी के, दासी के गर्भ से जातः सत्यवती सुता। आपको धर्म के अवतार हैं, आपने जो प्रश्न किए हैं हम उनका उत्तर अवश्य देंगे। पहले आप सृष्टि का क्रम समझ लीजिए, क्योंकि जो सुख दुख है ना ये वस्तुतः एक भ्रम ही है। धीरे से बोलो राधे राधे। राधे राधे। डॉक्टर चक्कू मारता है कि नहीं, ऐसे ऐसे करो, उसमें अगर दुख भी हो तो अंदर से आशीर्वाद निकलता है। और डाकू भी चक्कू मारता है, हाँ, उसमें अगर सुख भी मिले, माने डाकू का मारा बच भी जाए तो भी उस पर लगेगा 360। धीरे से बोलो राधे राधे। और डॉक्टर का मारा मर भी जाए तो भी कहेंगे डॉक्टर साहब आपने तो बड़ी कोशिश की, हम ही दुर्भाग्यशाली थे कि हमारा मरीज नहीं बचा। डॉक्टर का मारा मर भी जाए, डाकू का मारा बच भी जाए, इसका मतलब है चक्कू का मारना अपने में न तो दोष है न तो गुण है, वह अवस्था है जो उसको दोष और गुण बना देती है। एक महात्मा जी थे, मास का महीना था, धूप ले रहे थे, लंगोटी लगाए हुए थे। एक राजा साहब निकले घोड़े पर चढ़कर और जिधर से धूप आ रही थी ठीक सामने खड़े हो गए। अरे वाह महात्मन, हमारे राज्य में राज जैसा संत निर्वस्त्र ठिठुर रहा है, बोलो हम आपको कौन सा कम्बल दें, बढ़िया वाला दें, बसेरा होटल बसेरा वृंदावन वाला कि कोई सामान्य जो है लोई बाजार वाला। धीरे से बोलो राधे राधे। जो रजाई चाहो तो ले लो, जो भवन चाहो तो ले लो। महात्मा बोले मुझे नहीं चाहिए कुछ, कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आप मांगिए। तो महात्मा ने कहा राजन जो हम मांगेंगे आप देंगे? बोले हाँ। बोले सामने से हट जा और धूप आने दे और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। अब बोलिए सुख क्या है और दुख क्या है? सुख और दुख भी एक कल्पना है। कोई व्यक्ति धरती पर सोकर के भी सुखी रहता है और कोई व्यक्ति मखमल पर सोकर के भी सुखी नहीं होता है, इसलिए ये सब माया का परिवार है। यही तो बात है। तुम निज मोह कही खग था, तुम निज मोह कही नहीं तो आचरज दो था, ओ नहीं कचो आचरज दो था। माया को पार तो कोई नहीं पाया। बोले नारद भव, भव माने शिव जी, नारद भव विनंती नारद भव जे
पाती जे मुनि नायक आत्म बाती मोहन अंधा तीन के ही मोहन अंध तीन के ही जग आमन कावन थे तो जग काम मचावन दे वो किसको अंधा नहीं किया कामना ने किसको नहीं नकाया बड़े चिंता तापिनी चिंता को सर्पणी कहा चिंता तापिनी के ही नहीं खाया चिंता तापिनी के ही नहीं खाया वो जग जाहिना व्यापी माया तो जग जाहिना व्यापी माया कीट मनोरथ दारू शरीरा कीट मनोरथ दारू शरीरा यही न लाग दो अस धीरा यही न लाग दो ओ अस धीरा हमारा शरीर एक लकड़ी का खम्भा है और इच्छाओं का किला इसमें लग गया है ऐसा कौन धीर पुरुष है जिसको इच्छाओं का घुन न लगा हो यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बर नहीं पारा इस माया को पार करने के लिए भगवान नाम के अतिरिक्त आश्रय भी तो नहीं है इसलिए मैत्रेयी महात्मा ने द्वितीय स्कंद में जो सृष्टि का क्रम वर्णन किया उसी को पुनः सृष्टि के क्रम में वर्णन करने लगे कि भगवान श्री नारायण की नाभि में कमल कमल में ब्रह्मा ब्रह्मा ने आगे जल देखा पीछे क्या होगा संकल्प करते ही पीछे मुख निकल आया दाहिनी ओर क्या होगा बाईं ओर क्या होगा जैसे ही संकल्प किया चत्वारि लेभे नोदिशं मुखानि दस मुखा दसों दिशाओं की ओर चंद्रमा देख रहे थे किंतु चार दिशाओं को अधिक देखना चाहते थे इसलिए चार मुख उनके हो गए जिस कमल पर बैठे थे नाल पकड़ के उतरने लगे बहुत दिन तक उतरते रहे लेकिन अंत नहीं मिला आकर फिर कमल के ऊपर बैठ गए और उसके बाद भगवान की स्तुति करने लगे तृतीय स्कंद के नवे अध्याय में ब्रह्मस्तुति वेदस्तुति के चक्कर की है ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वो भक्ति ज्ञान वैराग्य कर्म हर दृष्टि से है और इन स्तुतियों को अत्यंत विस्तार से व्याख्यान करने के लिए एक एक अध्याय के लिए एक एक दिन की आवश्यकता है लेकिन वह समय तो है नहीं धीरे बोलो राधे राधे तो भगवान के स्वभाव की एक स्तुति आपको सुना देते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का स्वभाव कैसा है नाति प्रसीदति तथो पतितो पचारी राराधित सुरगणैर हृदि बद्ध कामी ध्यान से सुने हमारी आपकी तो छोड़ दो देवता लोग भी जब सोने की थालियों में 1650 सामग्री को लेकर के भगवान की पूजा करते हैं तो उन देवताओं के हृदय में भी नाना प्रकार की कामनाएं बैठी रहती हैं इंद्र सोचते हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए तो इंद्र का प्रमोशन जानते हो कहाँ होगा सुरपतिर ब्रह्मत्वम आकांक्षति हमें ब्रह्मा बना दिया जाए ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं तो ब्रह्मा जी से पूछा जाता तुम क्यों पूजा कर रहे हो बोले ब्रह्मा विष्णु पदम क्या चाहते हैं ले तो विष्णु भगवान से पूछा गया तुम पूजा चाहे कर रहे हो
मुर हरि ही हर पदम, मैं कैलाश का राज चाहता हूँ। तो भगवान सुखदेव कहते हैं कि सुर गणैर हृदि बद्ध कामैः। ले जब देवताओं के हृदय में कामनाओं की गठरी है तो फिर ये बेचारा जीव क्या करे, इन कामनाओं के झंझट से कैसे छूटे। समस्या तो ये है ना। और जब वो कामनाओं को लेकर के नाना प्रकार के उपचार करते हैं, उपचितो उपचार, उपचितो उपचार, आचार्य कहता है सहज चढ़ाओ तो पूरी बोतल चढ़ा देते हैं, माला चढ़ाओ तो पूरी बगिया चढ़ाने को तैयार है, उपचित उपचार कर रहे हैं। देखिए उनकी कामनाओं के द्वारा की गई इस पूजा से हे नारायण आप प्रसन्न नहीं हो। नाच प्रसिद्ध पितु अति न प्रसिद्ध, प्रसन्न तो होते हैं लेकिन ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। जैसे आप लोगों को अनुभव होगा, जो व्यक्ति नित्य कुछ मांगने की दृष्टि से आके रोज आपको प्रणाम करेगा, जरूर आपकी नजरों से वो उतर जाएगा। और जो कुछ नहीं मांगेगा, ये माताएं हैं, इनसे हम पूछते आपके मानो तीन बेटे हो, एक खुद लेकर खा लेता हो, एक मांग कर खा लेता हो, एक चुपचाप बैठा रहता हो, बिल्कुल न खाता हो, तो आप किसका ध्यान रखोगे बताओ। जो नित्य मांगता है उसको नहीं कोई ध्यान रखता, यही तो बात है। तो भगवान कहते हैं तो रोज मांगते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा यत् सर्वभूत दयया तदलभ्ययैको। नामदेव जी की रोटियों को उठाया था प्रसंग, कुत्ते ने ले लिया और लेकर के भाग खड़ा हुआ। तीन दिन बाद नामदेव जी ने भोजन बनाया था, सुधा जल ले आए, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, प्रसाद पाएंगे, जल लेने गए, इतने में कौन आ गए, गृहपाल महोदय, और सब रोटियां अपने मुख में भरी और भाग खड़े हुए। नामदेव जी जल लेकर आए, कुत्ता मुंह में रोटी भरे भाग रहा था, तो घी की कटोरी लेकर के पीछे दौड़े। हे स्वामी, जब तुमको इतनी भूख लगी है तो कम से कम चुपड़ तो लो, सूखी काहे को खा रहे। ये है सर्वभूत दया। एकनाथ जी गंगोत्री से जल लेकर के आए, रामेश्वरम जा रहे थे। भगवान शिव का शिखर जब चमकने लगा, पास में आ गया मंदिर, एक गर्धव पड़ा हुआ तड़प रहा है, प्राण दे रहा है, मुख में जल पड़ जाए तो शांति मिलेगी। यक्ष कावड़ उतारी और उसी के ऊपर चढ़ा दिया। ये तो कथाएं सब भक्तमाल देवी हैं। वही भगवान शिव प्रकट हो गए, यत् सर्वभूत दयया। और सुना जाए, व्यक्ति धन खरीद सकता है, महल खरीद सकता है, लेकिन दया किसी बाजार में नहीं मिलती। दया करने के लिए सिखाया नहीं जा सकता, स्कूल में पढ़कर के कोई दयालु नहीं हो सकता है। वो सत्संग करके क्रोधी व्यक्ति आगे क्रोध करना छोड़ दे, लोभी व्यक्ति धीरे धीरे लोभ छोड़ दे, कामी व्यक्ति काम छोड़ दे, ये संभव है, लेकिन दया उसके हृदय में आ जाए ये संभव? क्योंकि सुखदेव भगवान कहते हैं असद अलभ्यया, असद पुरुष को सब कुछ मिलता है लेकिन दया नहीं। दया करने के लिए तो बड़ा पुण्य चाहिए। जिसको सब पर दया आ जाती हो उससे बड़ा तो पुण्यात्मा कोई हो ही नहीं। यत् सर्वभूत दयया तदलभ्ययैको, नाना जने स्वमहितः सोहिदन्तरात्मा। सारे प्राणियों में अनुस्थित होकर के बैठा हुआ सर्व सुहृद वह परमात्मा उस दया से जितना प्रसन्न होता है उतना देवताओं के द्वारा कामना पूर्वक किए गए 1650 पूजन से भी प्रसन्न नहीं होता। इसलिए हे प्रभु हमें शक्ति दीजिए। सब वरदान दिया है भगवान ने। और तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, पहले 10 प्रकार की सृष्टि की, फिर 4 प्रकार की सृष्टि की। वस्तुतः मुख्य सृष्टि 4 प्रकार की है, अंडज
पिंडज स्वेदज और उद्भिज कुछ धरती को फोड़ कर पैदा होते हैं पेड़ पौधे, कुछ पसीने और गर्मी से पैदा होते हैं मच्छर खटमल आदि, कुछ झिल्ली में लिपट करके पैदा होते हैं पिंडज शरीर से और कुछ अंडे से पैदा होते हैं। चार प्रकार की सृष्टि है, इन चारों प्रकार में सर्वश्रेष्ठ पिंडज है, पिंडजों में मनुष्य है, मनुष्यों में ज्ञानी है, ज्ञानी में वो सदनुकूल आचरण करने वाला है और उसमें भी जो भगवत भक्त है वो परम श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हुए, बेटा हमारी बात मानो जल्दी पढ़ लिख लो सृष्टि में हाथ बताओ। उन्होंने कहा नहीं पिताजी हम इस दंडक नहीं पढ़ेंगे। तो जब पुत्र पिता की आज्ञा नहीं मानता, अब तो खैर कोई पुत्र नहीं मानता, घोर कलयुग है, लेकिन पुराने जमाने में कोई कोई पुत्र ऐसा होता था जो पिता की बात नहीं मानता था। पुराने जमाने में पिता की आज्ञा वेद वचन मानी जाती थी, अब सबसे बड़ा योग्य वही पुत्र माना जाता है जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे, क्योंकि पिता की आज्ञा मानना माने अपमानित होना। आप हमको सलाह देते हैं, क्या हम बुद्धिहीन हैं, क्या हम पढ़े लिखे नहीं हैं? आपकी सोच अलग है पिताजी, मेरी सोच अलग है, क्योंकि देयर इज जनरेशन गैप बिटवीन अस, हमारे और आपके बीच में लंबा एक अंतराल है, आप हमको नहीं समझा सकते। 80% पिता इस बात का अनुभव करते हैं, हो सकता है कि 20% कोई भाग्यशाली हो। कनक सनंदन सनातन संत कुमार ने तो माया में फंसने के लिए मना किया, ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और क्रोध आया तो भ्रकुटी के मध्य से भ्रोर मध्यात प्रजापते गए सद्यो जायत तन मन्यु, उनका क्रोध प्रकट हो गया और जो क्रोध प्रकटा तो कुमारो नील लोहिता, एक नीले और लाल रंग के रूप में एक बालक प्रकट हो गया और प्रकट होते ही वो रुदन करने लगा। सवै रुरोध देवानाम पूर्वजो भगवान भवः, उसने कहा कि नामानि कुरु मे धातः, पिताजी मेरा नाम क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा यदोदीह सर्वश्रेष्ठ सोदवेग इव बालकः, तुम जो रोए हो उद्वेग युक्त होकर के बालक की तरह, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, रोदनात रुद्र। भगवान शिव प्रकट हुए, इनके 11 रूप प्रकट हुए और उसके बाद इनकी 11 अर्धांगिनिया प्रकट हुई, इनसे भी कहा तुम सृष्टि करो। तो बड़ी भयानक सृष्टि जब इन्होंने की, ब्रह्मा की सृष्टि का नाश होने लगा, तब इन्होंने कहा नहीं पुत्र अब तुम सृष्टि मत करो, जाओ भजन करो। देखो जो अच्छे काम करते हैं, अगर तुमको रजिस्ट्री करने के लिए पिता भेजे स्पीड पोस्ट, तो तुम जा करके लेटर बॉक्स में डाले आओ, तो दोबारा भेजेगा ही नहीं। अगर तुमको कोई आटा लेने भेजे चीनी ले आओ, दोबारा कोई भेजेगा ही नहीं। अगर तुम अच्छी तरह काम करोगे तो तुमको काम में बहुत लगाया जाएगा, और काम बिगाड़ दो तो कोई तुमको काम के लिए नहीं भेजेगा। जिसको काम करने की इच्छा ना हो, ये सूत्र आज ही नोट कर लो, सियावर रामचंद्र की जय, ये बहुत अच्छा सूत्र है। भगवान शिव ने जब कठोर कठोर सृष्टि की और ब्रह्मा की सृष्टि के जब नाश होने लगा, तो ब्रह्मा जी ने कहा ना ना ना, अब आपको सृष्टि करने की अलम प्रजा भी सच्चा भी ईदी भी प्रभो, ऐसी प्रजाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। शंकर जी छुटकारा पा गए, उसी दिन से भजन करने लगे, राम नाम दिन राति सागर जपहु अनंग अराती, और कोई धंधे नहीं है, केवल राम नाम जप करते हैं। संगत का तो असर आता ही है, तो उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती दूसरे जन्म से ही सही वो भी भगवान राम की भक्ता हो गई। एक दिन पार्वती माता ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया, भोजन बनाया थाली सामने आ गई, महर महक महक रही थी, सुंदर बासमती के चावल थे, फुलका था, उड़द की सफेद दाल थी, रायता था, सब कुछ था, पापड़ दही अचार। शंकर जी ने कहा कि देवी लड़के कहाँ गए? विश्राम कार्त के तो गए हैं अपने हेडक्वार्टर सेना को देखने, और गणपति बोले उनका निमंत्रण है, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, वो तो भंडारा खाने गए हैं। बोले आज हम तुम दो ही लोग हैं? बोले हाँ, फिर तुम भी आ जाओ, साथ ही साथ भोजन करेंगे।
पार्वती जी ने कहा भोजन तो हम करती लेकिन अभी हमारा पाठ नहीं हुआ। माताएं पाठ करती हैं, भगवान शिव बड़े चकित, ये तो हमारे अतिरिक्त किसी को ईश्वर ही नहीं मानती थी, आज किसका पाठ करने लगी, देवी तुम किसका पाठ करती हो? बोले मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ। शंकर जी ने कहा मेरी तो इच्छा थी हमारे साथ भोजन करती, बोले पाठ नहीं छोड़ूंगी, तो ऐसा करो हम तुम्हें एक नाम बताए देते हैं, उस नाम का उच्चारण कर लो, तुम्हें विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिल जाएगा, हमारे साथ भोजन करो। तुलसी लिखते हैं सहस्त्र नाम सम, राम राम कैसा है, सहस्त्र नाम सम सुनि शिव बानी, सहस्त्र नाम सम सुनि शिव बानी, शिव संग भवानी जपि जेई, प्रिय संग भवानी राधे, जपि जेई प्रिय संग रामे सहस्त्र नाम सत्तुल्यम, राम नाम वरानने, हे वरानने अहम तु मनोरमे रामे रमे, मैं तो मनोरम राम नाम में रमण करता हूँ, क्योंकि सत्तुल्यम सहस्त्र नाम, राम नाम के चक्कर का अगर कोई है तो केवल सहस्त्र नाम है, तुम एक राम नाम का उच्चारण कर लो। उसी दिन से माता पार्वती भी राम भक्त हो गई, राम नाम का उच्चारण करने लगी। ब्रह्मा जी ने सोचा ये तो हमारे बेटा बहू दोनों भगत हो गए, सृष्टि कैसे चले, तब उन्होंने समाधि लगाई और मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुला क्रतु भृगु वशिष्ठ लक्ष और नारद दस ऋषि प्रकट किए, लेकिन सृष्टि फिर भी नहीं बढ़ी। छायाया करदमो जग्गे, छाया से करदम महात्मा प्रकट हुए, ये वही करदम है जो माता देवहूति से विभागे गए, सृष्टि नहीं बढ़ रही है। तब ब्रह्मा जी ने चिंतन किया, वाम भाग से एक दिव्य नारी प्रकट की शतरूपा, दक्षिण भाग से दिव्य पुरुष प्रकट किया, उसी का नाम है मनु। मनु और शतरूपा की संतान को मानव कहा गया। ओल्ड टेस्टामेंट में ग्रीक भाषा में जो लिखा गया था उसमें इनका नाम है आदम और हव्वा, पति का नाम है आदम और पत्नी का नाम हव्वा, आदम और हव्वा से जो पैदा हुए उसे आदमी कहा गया, मनु शतरूपा से पैदा हुए उसको मनु कहा गया, और प्रकृति और पुरुष से जो पैदा हुए उनको पुरुष आ गया। भाषा का अंतर है, बात एक ही है। मनु शतरूपा प्रकट हो गए, अब तुम मिथुन सृष्टि प्रारंभ करो, लेकिन आधार के बिना सृष्टि कैसे हो? ये जो पृथ्वी है ना, ये पहले इतनी बड़ी नहीं थी, छोटी सी थी, शिरण्यास ने इसको चटाई की तरह लपेट लिया, और लपेटने के बाद, और एक बात और लगे हाथ सुन लीजिए, आपने खूब कथाएं सुनी हैं, अगर हम ये प्रश्न कर दें कि रामायण तो सुन चुके हो, ये बताओ जानकी जी का विवाह पहले हुआ था कि पार्वती जी का, तो क्या बताएंगे? ये कठिन प्रश्न है। अब देखिए अभी सृष्टि नहीं हुई है, ध्यान से सुनिए, मनु जी के पुत्र होंगे मरीचि, जो भी हुए मरीचि का पुत्र, मरीचि के पुत्र होंगे कश्यप, कश्यप का पुत्र होगा हिरण्याक्ष, और हिरण्याक्ष के साथ बारह भगवान का युद्ध हुआ, तो जब बारह भगवान धरती ले आएंगे उसके बाद पैदा होंगे मरीचि, मरीचि के बाद पैदा होंगे कश्यप, और कश्यप का पुत्र हुआ हिरण्याक्ष, तो अभी तो धरती आई ही नहीं, अभी तो बारह अवतार हुआ ही नहीं, तो फिर हिरण्याक्ष कहां से आ गया?
अस विचारी जे तज्ञ विरागी राम ही भजही तर्क सब त्यागी। क्योंकि नाना भांति राम अवतारा रामायण सत कोटि अपारा कल्प भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए करिय न संशय अस जिय जानी और सुनिय कथा सागर रति मानी। श्रीमद् भागवत में तीन कल्पों की कथा है, ब्राह्म कल्प, पाठम कल्प और जो है बाराह कल्प। अब इस समय ब्राह्म कल्प में बाराह कल्प की कथा जोड़ करके सुनाना चाहते हैं। किसी अवतार में हिरण्यास पहले हो चुका था, लेकिन इस अवतार में अभी मनु जी के संतान हुई है, अभी मरीचि का विवाह नहीं हुआ। तो मनु जी की जो बेटी होगी उस बेटी का विवाह कर्दम से होगा और कर्दम और देवहूति के जो बिटियां पैदा होंगी उनसे मरीचि का विवाह होगा। अभी तो बहुत दूर है, इसलिए कल्प भेद की कथा है। पहले धरती बहुत छोटी थी, हिरण्यास ने इसको लपेटा, लपेट के बनाई तकिया चटाई की तरह, ले गया पाताल में और इसको तकिया बना करके सोने लगा। धरती डूब गई। ऋषियों ने कहा महाराज सृष्टि कैसे हो जब धरती ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी चिंतन करने लगे, उन्हें छींक आई और नासिका के छिद्र से बारह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए बारह भगवान की जय। बारह पुराण में कथा है कि हिरण्यास ने जब पृथ्वी को तकिया बना के स्वयं किया तो हमें कोई डिस्टर्ब न करे। जैसे आपके यहाँ मैंने देखा है होटल के कमरे के बाहर डोंट डिस्टर्ब, ऐसे उसने डिस्टर्ब को रोकने के लिए अपने चारों ओर मल की दीवार खड़ी कर ली। काहे की? मल की, विष्ठा की। तो मल की दीवार कौन तोड़ेगा? भगवान की मजबूरी है बाराह बनना। मल की दीवार को तोड़ने के भगवान ने बाराह बता ली। जब तक ये मल की दीवार नहीं टूटेगी तब तक हिरण्यास नहीं मारा जाएगा, तब तक धरती का उद्धार नहीं होगा। इसलिए उस दीवार को तोड़ने के लिए भगवान बन गए बाराह। और समझे, बाराह बन गए। एक होते हैं आईजी, एक होते हैं की आईजी, समझे। आईजी से भी ऊपर की चीज दृश्य बो राधे राधे। और जाकर के पहुंचे, अपने दांतों से उस दीवार को तोड़ डाला, ललकारा उसको और महाराज एक थप्पड़ मारा खींच के। किसके? हाँ, करेण कर्ण मूले हम, एक थप्पड़ कान के पास मारा। अच्छा, माताओं की एक खूबी होती है, जब बच्चों को मारेंगे तो हाथ इतनी जोर उठाएंगे कि माला जोर मारेंगे, लेकिन जब कान तक हाथ आएगा तो डेड स्लो हो जाएगा, धीरे से मारेंगे, लगेगा तो बहुत जोर उठा रही है। लेकिन माता कभी पुत्र को नहीं मार सकती। हाँ, पिता का हाथ पड़े तब पता लगे झंडा के दाद कि हाथ होता क्या है। भगवान ने मन में सोचा कि ये हमारा भक्त है, जोर से नहीं मारना चाहिए। तो सुखदेव भगवान कहते कर्ण मूले, कान के पास धीरे से हाथ मारा। और सुनो, मम्मी धीरे से भी मारे तो भी चारों खाना चित्त होकर लेट जाएगा, रुक जाएगा, उठेगा नहीं। और पिता जोर से भी मारे तो धीरे से चला जाएगा, काम करके ले आएगा। और भगवान मारते कैसे हैं? माँ की तरह, सरों सदा तिन की रखवारी, जिन बालक राखे महतारी। जब माँ की तरह मारा तो चारों खाना हिरण्याक्ष चित्त हो गया। इस कथा को बाद में सुखदेव भगवान ने चार पांच अध्यायों में विस्तार भी किया है। और हिरण्यास का जब उद्धार कर दिया, धरती ले आए तो खोलने लगे, तो खोले कैसे, अपने दांतों में फंसा के खींचने लगे, तो कभी इतना खींचते चले गए कि दक्षिणी अमेरिका खींचता चला गया, फिर दोबारा फंसाया तो अफ्रीका लटक गया, फिर फंसाया तो भारतवर्ष लटक गया। इस तरह से धरती टेढ़ी मेढ़ी हो गई और पृथ्वी माने बड़ी विशाल हो गई। तब भगवान ने धरती का नाम रखा विशाला। धरती का नाम क्या है?
विशाला ये बहुत विस्तृत है, अंत नहीं है, इसलिए इसका नाम है विशाला। ये सबको धारण करती है, इसलिए इसका नाम है धरा। सारे रस इसी के अंदर रहते हैं, इसे रसा कहते हैं। ये रत्नों की खान है, इसलिए इसको रत्न गर्भा कहते हैं। इसमें सारी औषधियां उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसको भूमि कहते हैं। कितना भी मलमूत्र करो, कुदाल चलाओ, सबको क्षमा करती है, इसलिए इसका नाम क्षमा है। ये धरती के तो अनंत नाम है, भगवान ने फैला दिया और उसके ऊपर सृष्टि का आदेश दे दिया। पृथ्वी, पृथ्वी माने विशाला, विशाल हो गई। और उसके बाद पृथ्वी माता जो है, जब विशाल हो गई तो उसके ऊपर मनुष्य रूपा ने सृष्टि की। पांच संतान बड़ी प्रसिद्ध हैं, दो पुत्र और तीन पुत्रियां, देवहूति, आकूति, प्रसूति, तीन पुत्रियां, उत्तान पाद और प्रियव्रत, दो पुत्र। देवहूति बड़ी सुंदरी थी, देवहूति के सौंदर्य का वर्णन क्या किया जाए, बोले कि याम हर प्रत्ये कुणगंग शोभाम। एक दिन हर्मपृष्ठ में अपने महल की छत पर खेल रही थी, विक्रीडती, उस समय विश्वावसु नाम का गंधर्व आकाश से जा रहा था। इनके तेज को देखा तो चौंधिया गया, विश्वावसु न्यपतक स्वाद विमाना विलोक के सम्मूह विमूढ़ चेता। कर्दम ऋषि ने स्वयं वर्णन किया है इनके सौंदर्य का। महाराज जब युवती हो गई तो मनु और शतरूपा के मन में आया कि विवाह होना चाहिए। और उधर एक महात्मा जी, भागवत जी में अनोखी अनोखी कथाएं हैं। देखो, सुंदर पति पाने के लिए अनेक कन्याओं ने तप किया है, आराधन किया है, उनकी बहुत कथाएं हैं। जैसे द्रौपदी पूर्वजन्म में ब्राह्मण कन्या थी, शिव की उपासना की, शिव जी प्रकट हुए और बोले कि बेटी क्या चाहती हो, तो बोली नहीं कुछ, शर्मा गई, नहीं नहीं बताओ, बताओगी नहीं तो मैं कैसे तुम्हें वरदान दूंगा। तो इसके मुंह से निकला पति 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 पति। देवी भागवत में श्लोक है, पतिम देहि पतिम देहि पतिम देहि म प्रभो, पतिम देहि पतिम देहि नान्यत्वदवै बरे परम। पांच बार कहा पति दो पति दो पति दो, इसलिए उसके पांच पति हो गए। पार्वती जी ने बहुत तप किया, तब भगवान शिव मिले। जानकी जी ने भी उपासना पार्वती जी की तो श्री राम मिले। कन्याओं के द्वारा श्रेष्ठ पतियों के लिए तो बड़ी तप की गए, लेकिन भागवत में एक ऐसे पति का वर्णन है जो सुंदर पत्नी पाने के लिए तप कर रहा है। और अच्छी पत्नी पाने के लिए तो भाई तपस्या करनी ही पड़ेगी, इसलिए कर्दम महात्मा बिंद सरोवर के पास जाकर के तप करने लगे। भगवान नारायण प्रकट हुए, बाबा जी क्या चाहते हो, बोले हम विवाह करना चाहते हैं। तथा सता हम परिबोधु काम, मैं परिवहन करना चाहता हूँ। परिबोधु कामा का अर्थ है मैं ढोना चाहता हूँ, मैं विवाह करना चाहता हूँ। अच्छा, कैसा विवाह करना चाहते हो? आज कोई लड़के से अगर पूछे कि तुम कैसा विवाह करना चाहते हो, एक हमारे मोहल्ले में पंडित जी रहते थे, जो 32 साल के हो गए विवाह नहीं हुआ, तो मैंने पूछा बेटा ब्याह क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने एक नायिका का नाम बताया, मैंने भूल भी गया कौन नायिका थी, जूही चावला। उन्होंने कहा हमको जूही चावला जैसी चाहिए, फिर मिली कैसी मुझे नहीं मालूम। आजकल के ये जो है आसक्त हैं, लेकिन जब मनु जी से और कर्दम जी से भगवान ने पूछा कैसी पत्नी चाहिए, तो क्या कहा ऋषि ने, समानशीला गृह में। एक होती है काम धेनु और पत्नी को शास्त्र कहता है गृह मेघ धेनु। हाँ हाँ, गृहस्थरूपी जो यज्ञ, मेध माने यज्ञ, मेध माने आपने सुना होगा शब्द, अश्वमेध, गोमेध, नरमेध, तो मेध माने यज्ञ, मेध शब्द, और गृह मेध माने गृह यज्ञ,
आप नित्य घर में गृहस्थ धर्म में पालन नहीं करते हैं। जिस दिन आपको कंकड़ बांधा जाता है, हमने आपको कलावा बांधा है 7 दिन के लिए, लेकिन विवाह के सामने तो अग्नि के सामने आप बैठते हैं, तो आपको जो कंकड़ बनता है वो जीवन भर की दीक्षा आपको दी जाती है कि आज आप गृहस्थ धर्म में दीक्षित हो गए। अब ये यज्ञ पूर्ण कैसे होगा? अगर कोई कामधेनु मिल जाए और नित्य हमको सामग्री देती रहे तो यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। इसलिए कर्दम कहते हैं गृह में धेनु माली, सुने हैं? हम कभी गए नहीं है, सुने जरूर हैं। सुनते हैं, एक कमरा होता है उसको क्लब कहते हैं, उसमें बाल खुले वाली होती हैं, बंधे वाली नहीं। तो सत्संग वाला तो आरती कर लेगा शाम के 6 बजे, और क्लब वाले की आरती कब होगी? रात के 2:30 बजे। धीरे से बोलो राधे राधे। तो जोड़ी बनी कि बिगड़ी? समान। लोगों ने तो पुत्र के लिए बड़ी कामना की, लेकिन भगवान ने स्वयं कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। देखो, या तो विवाह तय न हो, और तय हो जाए तो डेट लंबी मत डालना, तो लड़के लड़की को दिन गिनने बड़े भारी पड़ते। चट गुड़िया और पट विवाह आज तय करो, हफ्ते बाद कर दो, महीना बाद कर दो। ये नहीं शादी आज तय हो गई, मुहूर्त निकला 6 महीने बाद। कर्दम महात्मा ने कहा कि महाराज फिर कब होगा? धैर्य नहीं है। तो भगवान जान गए व्याकुलता है महात्माओं को। तो भगवान कहते हैं आयास्यति दिविश्वस्त्वां परस्तो धर्म को विदः। धर्म को जानने वाले महात्मा मनु अपनी पत्नी के साथ परसों तुम्हारे यहाँ आएंगे। अपनी कन्या को लेकर केवल 1 दिन है, इसी में अपनी दाढ़ी आसन कुटिया माला सब ठीक कर लो, तैयार हो जाओ। अब तो कर्दम महात्मा उठे, सुंदर कुटिया गोबर से लीपी, दाढ़ी में कंघी की चोटी संभाली, आसन डाला और टकटकी लगाकर देखने लगे कि 7 कौम्भम रथम, सोने के रथ पर चढ़ कर के बिटिया को लेकर। ऐसे विवाह पहले होते थे, ले लड़की है महलों की और लड़का है कुटिया का। कोई है पिता संसार में हम तो दे दे? हमसे किसी ने पूछा कि महाराज आप ब्राह्मण क्यों धन इकट्ठा करते हैं? मैंने कहा इसलिए क्योंकि अगर धन इकट्ठा नहीं करेंगे तो उनके पुत्रों का अब विवाह नहीं होगा। पहले ब्राह्मण लोग अपनी कन्या को कुटिया में बैठे हुए ब्राह्मण को दे आते थे, आज कोई देगा? इसलिए ब्राह्मण भी विवश हो गया कि धन इकट्ठा करो। नहीं तो ब्राह्मण के पास तो ज्ञान ही धन हुआ करता था, लेकिन ब्याह कैसे हो? जब बिठाए गए तो अब कैसे लड़की आवे, तो एक ट्रे दे करके चाय का भेजी गई, तो बढ़िया ब्रिटानिया के बिस्कुट थे और ताजमहल वाली चाय, तो चाय तो नहीं देखी, उन्हीं की ओर देखा, अच्छा आप ही हैं? बोले जी मैं ही हूँ। ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा। अच्छा ये बताओ, तुम कुछ हारमोनियम बजाना जानती हो? बोले हाँ थोड़ा, सारे गामा बाधा नहीं था, 2-4 भैरवी सीखी है। ठीक है चलेगा चलेगा। अच्छा ये बताओ, गा भी लेती हो? बोले हाँ थोड़ा थोड़ा गा लेती है। अच्छा और डांस के बारे में क्या? डांस भी कर लेती हूँ। बोले वो भी कर लेती है। बस चलेगा चलेगा यार, चाय नहीं पी, बिस्कुट नहीं खाए, ठंडी हो गई। जब चलने लगे तो लक्ष्मी का फोन इधर आ, बोले क्या? तू तो मेरा इंटरव्यू लेने वहां से यहां तक आ गया, मैं उत्तर भी दे चुकी, अब मैं भी तो कुछ पूछू? हाँ पूछो 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 पागलों की तरह। पर ये बता तू तबला बजा लेता है? बोले नहीं तो मुझे तबला बजा तो नहीं आता। बोले मूर्ख कहीं का, जब मैं गाऊंगी, जब मैं नाचूंगी, जब मैं हारमोनियम बजाऊंगी तो तबला क्या तेरा बाप बजाएगा? तबला कौन बजाएगा? बिना तबला बजाए संगीत पूरा कैसे होगा? भाग यहां से। ऐसे जो है अज्ञानी मूर्खों से हम विवाह नहीं करते। अरे तुम तबलती जो है
नाचने गाने वाली धूल आजकल देखने जाते हैं लड़कियों से नचाया करवाया जाता है। हमारी समझ में नहीं आता कि कौन सी संस्कृति है। ये कोई नहीं पूछता कि तुम प्रातः काल उठकर के किसका पाठ करती हो, क्या जप करती हो, माता पिता को प्रणाम कैसे करते हैं, भोजन कैसे बनाया जाता है, परसने की रीति क्या है। महाभारत में लिखा है 88,000 ब्राह्मण नित्य युधिष्ठिर के घर में भोजन किया करते थे और द्रौपदी अपने हाथ से परस करके सबको खिलाती थी और समस्त नौकर चाकरों का वो ध्यान रखती थी और सबसे अंत में भोजन करती थी। इसको बधू कहते हैं। आजकल सास बैठी रहती, बहू पहले खा लेती। हमने कहा बिटिया तुम्हारी सास कैसी है, बोले सांस नहीं लेने देती है। तो सांस न लेने दे उसका नाम, ये बहू ने नाम रखे। ऐसी नहीं चाहिए पत्नी, समान शीलाम गृह मेघ धेनुम। और ऐसी कन्या का प्रस्ताव जब दरवाजे पर आवे तो जो उसको ठुकरा देता है वो दुर्भाग्य को मोल लेता है। इसलिए मनु जी ने कहा कि हम तुम्हारे पास अपनी कन्या को लेकर आए हैं, नाही मत करना। कर्दम महात्मन का क्यों? तो मनु जी ने कहा देखो यो ही उद्यत मना जिससे कीना हम अभियागते, जो उद्यत पदार्थ प्रेम पूर्वक देने पर उसका तिरस्कार करता है उस व्यक्ति को उसी वस्तु के लिए किसी नीच पुरुष के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। और जब नीच पुरुष के सामने हाथ फैलाता है तो क्षीयते तब यशस्थितम, तो उसका यश क्षीण हो जाता है और मानस चावज्ञान हटा उसका मान भी नष्ट हो जाता है। इसलिए अतो काम प्रतीक्षा में हम दे रहे हैं, हमारी कन्या को स्वीकार करो। कर्दम महात्मा ने देवहूति की बड़ी प्रशंसा की और कहा इस कन्या को पाकर के तुम्हें धन्य हो गया, लेकिन मेरी भी एक बात इसे माननी पड़ेगी। देवहूति ने मन में विचार किया क्या शर्त रखेंगे, बोले बताओ क्या आपकी शर्त है। बोले शर्त ये है कि हम सभी तक इसके साथ रहेंगे, यावत तेजो विभ्रियादात्मनो में, जब तक ये हमारा तेज अपने उदर में धारण नहीं करेगी तभी तक हम इसमें रहेंगे और उसके बाद हम इनका त्याग करके चले जाएंगे। क्या बात है, राजकन्या है, संतानोत्पत्ति पर्यंत ही पति साथ रहेगा, ऐसी स्थिति में क्या आज की कोई कन्या स्वीकार करेगी उस वर को? हमारे इतिहास को कौन स्पर्श कर सकता है? और देवहूति माता इस बात पर तैयार हो गई, सुंदर कन्यादान किया, प्रेम पूर्वक कन्या को हृदय से लगाकर कुटिया में सौंप करके और मनु जी महाराज वहां से सपत्नी चले आए। तब कर्दम जी ने विचार किया कि ये राजकन्या हमारे साथ रह पाएगी कि नहीं, समाधि लगा के देखें। तो बता दिया इशारे से ही देवी हमारे घर में कोई बर्तन नहीं है, उस बर्तन में अन्न आदि भी नहीं है। जब बर्तन ही नहीं है तो अन्न कहाँ से होगा? कंद मूल उधर मिलते हैं, जल उधर मिलता है, संविधाएं उधर मिलती हैं, कुशा उधर मिलते हैं, यहाँ उधर पूर्ति स्वयं ही करनी पड़ती है। और समाधि लगा करके बैठ गए। तब कर्दम की सेवा देवहूति करने लगी। यह जो संस्कृति है सेवा की, ये भारतवर्ष की संस्कृति है और कहीं नहीं है। दिल्ली में एक देवी रहती हैं, उनका नाम है शकुंतला देवी। इस शरीर को हरिद्वार गंगा के किनारे 12 वर्ष अखंड रहने को मिला है, वहां के कुछ संतों का प्रेम है, इसलिए करीब 25 वर्ष से एक आश्रम में प्रति वर्ष मेघ संक्रांति पर वहां गंगा किनारे कथा होती है। इस वर्ष भी है 7 अप्रैल से, तो कथा सुनने दिल्ली से आती थी। एक दिन उन्होंने बताया कि मेरा बेटा लंदन में रहता है, तो मैंने कहा माता जी कुछ लंदन की कथा सुनाओ। बोले सुन लो, रविवार को मेरा पुत्र अपने मित्र के घर मुझे लेकर गया। जब मैं गई वहां तो मित्र शीलवान था, आसन दे दिया, हम बैठ गई। उस मित्र ने अपनी पत्नी से कहा
कि माता जी आई है, इनको जल दे दो। तो मेरे ही सामने उस स्त्री ने जो कहा वही सुन लो, वही कथा है सुनने लायक। उसने कहा सुन, अपने पति से क्या कहा, सुन ये पड़ा फ्रिज, ये पड़ा ग्लास, उठ निकाल और पिला, ये तेरे गेस्ट हैं, मेरे गेस्ट नहीं है। और खबरदार, अगर आज के बाद मुझे किसी को पानी पिलाने को कहा, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूं। जब ये बात उसने बोली, तब क्या जल पीना था और क्या दूध पीना था।